गुरावरा गांव की सरपंच आदरणीय स्नेहता जी, यहां के लोकप्रिय विधायक आदरणीय लक्ष्मण यादव जी, लोकल डीसी यशेंद्र जी, मेरे साथ आए हुए टेलीकॉम विभाग के अखिल भारतीय सचिव श्री अंशु प्रकाश, आईटी विभाग के अखिल भारतीय सचिव श्री अजय सानी, अंशुलि आर्य हमारे विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारी, बीएसएनएल के देश के सीएमडी जो यहाँ उपस्थित हैं, मंच पर उनका अभिनंदन, और हमारे दिनेश त्यागी जी जो सीएससी के पूरे देश के अभिभावक हैं, उनका अभिनंदन। हमारे कई पदाधिकारी आए हुए हैं, नीचे बैठे हुए हैं। आज पूरी भारत सरकार आपके गांव में है। गांव सोनू, तुम इधर आओ, गांव इधर खड़ी हो, तुम मुंह पे आ रहे, फोन ले यार, मोबाइल बैठ लो, तेरा फोन तोड़ दूंगा। मुझे त्यागी जी बार बार कहते थे, सर प्लीज सर, सोनू बाला आपके गांव में बुरावड़ा में बहुत ही अच्छा सीएसी चला, चर्चा होती थी। तो आज अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री थे, उनका जन्म दिवस है, तो हम लोग देश भर में उसको गुड गवर्नेंस, सुशासन के रूप में मनाते हैं। तो हमने कहा हम गांव जाएंगे और देखेंगे सोनू बाला सीएससी में कैसा अच्छा शासन करवा रही है। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं अकेले नहीं आऊंगा, मैंने कहा टेलीकॉम में देश का टेलीकॉम का मंत्री हूँ, आईटी का मंत्री हूँ, कानून मंत्री हूँ, तो हमने कहा सब चलेगी, भारत सरकार चलेगी। तो आज पूरी भारत सरकार आपके गांव में आई है सोनू बाला के अच्छे काम को देखने के लिए। देखिए ये आपका गांव का काम क्यों बढ़िया, क्यों जरूरी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, मुझे उनकी सरकार में भी मंत्री होने का सौभाग्य मिला था, जो लक्ष्मण जी ने बताया कि हम देश को जोड़ेंगे। मैं दिल्ली से आ रहा था तो हाईवे 4 लेन 6 लेन यहां तक पहुंचा, जोरदार सड़क। एक दिन की बात है तब अटल जी ने कहा देश को हम 4 लेन 6 लेन से जोड़ेंगे, तो लोगों ने कहां से जमीन आएगी, कहां से सीमेंट आएगा। अटल जी ने कहा करना है, और आज आप बुरावड़ा गांव से गाड़ी में बैठो और कन्याकुमारी चले जाओ, कश्मीर चले जाओ, पूरे देश में 4 लेन 6 लेन हाईवे है। जब मोदी जी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी जी की, तो उन्होंने कहा कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में सड़क का हाईवे बनाया गया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में इंफॉर्मेशन हाईवे बनाया जाएगा। और जब उन्होंने मुझे मंत्री बनाया, कहा रविशंकर इस बात की चिंता करो कि लोगों को सेवाएं गांव गांव तक पहुंचे, तो मैं अपने विभाग का मुआयना कर रहा था तो मुझे सीएससी पर नजर मिली। उस समय 2014 में लगभग 60,000 सीएससी थे, मैं उसको बढ़ा करके 3,60,000 ले गया। आपके हरियाणा में 11,000 सीएससी है। सीएससी कहते हैं कॉमन सर्विस सेंटर, लेकिन सीएससी का मेरे से मतलब पूछोगे शहर की सेवा गांव में, गांव जाने की जरूरत नहीं है। पेंशन चाहिए तो सोनू के पास आ जाओ, डिजिटल शिक्षा लेनी है तो सोनू के दरवाजे पे आ जाओ, अगर आपको सैनिटरी नैपकिन देखना है तो यहां आ जाओ, आपको एलईडी बल्ब चाहिए तो यहां आ जाओ। मैं बताऊं कि जब शुरू शुरू उसको आगे बढ़ाया, और आज मैं कहूंगा दिनेश त्यागी ने बहुत बढ़िया काम किया, मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, वो पूरे सीएससी के अभिभावक के रूप में काम करते हैं और बहुत बड़े अफसर रहे हैं, आईएएस रहे हैं, छोड़ करके इस काम में आ गए। तो हमने कहा दिनेश तुम देखो इस बात का कि वहां पर लोग सेवा भी लें और वहां अपने को मजबूत भी करें।
यहाँ साक्षर बने हैं। अब ये जो मेरी बेटियां बैठी हैं, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, ये सैनिटरी नैपकिन क्यों जरूरी था? क्योंकि महिलाएं काम करती हैं, लगभग 12 लाख लोग काम करते हैं सीएससी में देश भर में, जिसमें लगभग 70,000 महिलाएं काम करती हैं, जिसमें एक तुम्हारी सोनू बाला भी है जो चलाती है। अब स्वच्छ भारत में शौचालय तो बहुत बन गए, लेकिन ये नहीं हो पाया कि लड़कियां जब अपने मासिक पीरियड से परेशान हुआ करती थी, दिक्कत हो जाती थी, हमने कहा जाओ लो कॉस्ट सैनिटरी नैपकिन बनना चाहिए। और आज मैंने क्या कहा, यहाँ की बेटियों को बनाओ और बेटियों को स्कूल में जाके बताओ कि स्वच्छ भारत तभी बनेगा जब स्वच्छ भारत होगा, तो इसलिए लो कॉस्ट सैनिटरी नैपकिन। अब आपकी बेटी जो आज बीबीओ में बैठी थी, हमने पूछा क्या बात कर रही हो, तो उसने बताया कि एक बैंक के बारे में हम कॉल सेंटर से बात कर रहे हैं। जो बेटियां यहां पर कंप्यूटर सीख रही थी, मैंने उनसे पूछा तुम क्या कर रही हो, कहे कि मैं ईमेल करती हूं, मैं टाइपिंग करना सीख गई हूं। तो ये सब के लिए पहले शहर जाना पड़ता था, अब ये आपके गांव में उपलब्ध है, यही है। और मैं सबसे खुश हुआ, मैं बताना चाहता हूं, जो मैं अपनी बूढ़ी माताओं से मिला आपके गांव की, जिनको उनका पेंशन भी उनके गांव में ही मिल रहा है, इसी को कहते हैं शहर की सेवा गांव में। आज मोदी जी देश को क्या बदलने का काम करें, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, ये आयुष्मान भारत क्या है? देश के 50 करोड़ गरीबों को हम हर साल 5 लाख रुपया देंगे, 50 करोड़। और वो 5 लाख आप कहीं बीमार पड़िए, सरकारी अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में आपको मिलेगा, और मिलेगा तो रजिस्टर कहां होगा, किसी कॉमन सर्विस सेंटर पर, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं। अभी जो अंशु प्रकाश बता रहे थे ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क भारत नेट, भारत नेट क्या है, हम देश के 2.5 लाख ग्राम पंचायत में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क ला रहे हैं, अभी 1,30,000 गांव में पहुंच गया पंचायतों में, और बाकी आने वाले मार्च तक 1 लाख और करेंगे, आपके यहां भी आ गया है। मुझे सबसे खुशी हुई कि अंशुलि ने वहां पर एक ओएलटी लगा के मशीन से आपके पोस्ट ऑफिस को, स्कूल को, पंचायत भवन को कनेक्शन दे रही है। तुम्हारा एफटीए शुरू हो गया पक्का? अब यहां एफटीए शुरू होने वाला है, कुछ शुरू हो गया है। आज मैंने डिजिटल गांव बनाया है, तो मुझे खुशी होगी कि यहाँ के लोग उसका उपयोग कर करके अपने बच्चों से बात करेंगे, अपना डॉक्यूमेंट भेजेंगे, अपनी बाकी बात करेंगे जो वाईफाई उपलब्ध है। तो आप देख रहे हैं क्या एलईडी बल्ब, क्या डिजिटल शिक्षा, क्या डिजिटल स्वास्थ्य। मैंने बात की जो डॉक्टर थी, वो अपोलो अस्पताल की डॉक्टर थी, उनसे मैंने भी बात किया, दिल्ली से पत्रकार है वो भी बात कर रहे हैं। तो आपको अब शहर नहीं जाना पड़े, अधिकांश चीजें गांव में उपलब्ध हो, पेंशन भी हो, आधार भी हो, आयुष्मान भारत भी हो, डिजिटल शिक्षा भी हो, ये हमारी कोशिश है। और आज हमने इस गांव को डिजिटल गांव बनाया है, देखा ना आप, हम देश में ऐसे 1 लाख डिजिटल गांव बनाने जा रहे हैं, 1 लाख हम बजट में घोषणा कर चुके हैं, अभी तक 700 हमने किया है। तो आज आपके पास हम इसलिए आए हैं कि मूल तो आए थे इस गांव को देखने के लिए, अंशु के काम को देखने के लिए, अच्छा काम कर रहे हो तुम्हें खूब आशीर्वाद बेटा, खूब आगे बढ़ो। आज मुझे तुमसे 2-3 आग्रह करना है, तुम्हारे गांव में आबादी कितनी है? 7 से 8 हजार है। आज मैं तुम्हें एक आग्रह करता हूं कि सबको तुम सिखा रही हो, आगे से हमारे दलित परिवारों की बेटियां हैं, कम से कम 10 बेटियों को तुम डिजिटल ट्रेंड बनाओ, ठीक है, करोगी? ये मैं तुमसे आग्रह करता हूं, उसे लाओगी, उसे सिखाओगी, और मुझे और खुशी तब होगी कि उनकी गरीब माता जी को भी अगर डिजिटल साक्षर बनने की इच्छा है, उनको भी सिखाओ। मुझे खुशी हुई, यहाँ मैं देख रहा हूँ बहुत सारी हमारी वरिष्ठ माताएं काम कर रही हैं। हम चाहते हैं पूरा समाज बदले, नौजवान बदले, माताएं बदले। मुझे तुमसे एक और बात कहनी है, आजकल किसानों के लिए बहुत सारी सेवाएं चलती हैं,
करती हो मुझे अच्छा लगेगा। दिनेश इस बात की चिंता करें कि यहां पर ई नैम आ जाए, ठीक है दिनेश, ई नैम यहां पर उपलब्ध होना चाहिए। लक्ष्मण जी, ई नैम क्या है? किसान अपनी फसल को ई नैम के माध्यम से हिंदुस्तान की किसी मंडी में बेच सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। सॉयल सॉयल हेल्थ कार्ड का भी यहां पर स्कीम बनना चाहिए, वो भी उपलब्ध होना चाहिए। और एक तो मैं यहां आपके गांव का दर्शन करने आया था, दूसरा सोनू के इस काम को देखने आया था, और तीसरा बहादुरों की इस मिट्टी को प्रणाम करने आया था। रेवाड़ी की कहानी एक तो अब्दुल्ला राम जी के समय की, आजादी के आंदोलन की, लेकिन जो माननीय लक्ष्मण जी ने बताया चीन के युद्ध में रेवाड़ी के बहादुर सेना के जवानों ने जो हिम्मत दिखाई थी वो आज तक मील का पत्थर है। और एक दिन मैं उस पर एक कहानी देख रहा था टेलीविजन पर, अब किस गांव के, मुझे गांव तो याद नहीं, लक्ष्मण जी मुझे बताएंगे, अब वो बूढ़े हो गए तो संघर्ष में थे, इतना ठंडक थी, यहां ठंडक है कि शरीर जम गया था। इसमें आपको मालूम है कि चीन की लड़ाई में हमारी सेना को बहुत तैयार नहीं रखा गया था, अब तो मोदी जी की सरकार में सेना पूरी तैयार है, और नरेंद्र मोदी का साफ निर्देश है कि हमारी सेना पहले गोली नहीं चलाएगी, लेकिन अगर पाकिस्तान से गोली चलेगी तो हाथ बांध के नहीं, हाथ खोल के जवाब देना है, और अगर जरूरत होगी तो घर में घुस के भी मारेंगे। मारा है ना बालाकोट में, देखा ना आपने, तो अब हम सेना का यह सम्मान करते हैं। उस समय देख रहा था कि दो बूढ़े रेवाड़ी के सेना के रिटायर्ड जवान थे, उन्होंने उस पूरी घटना को बताया तो मेरी भी आंखों में आंसू आ गया कि हम लोग इतना लड़े कि चीनियों को हमने परास्त कर दिया, और बाद में लोग मारे गए, और चूंकि बर्फ बहुत थी तो उनके शरीर भी जम गए। तो बाद में जब चीन के पदाधिकारी आए तो उन्होंने भी कहा कि ये जवान बहुत बहादुरी से लड़े, हम जीते अलग बात है, इनका अभिनंदन है। आज रेवाड़ी के इस बहादुर परंपरा का मैं सम्मान करता हूं, और हरियाणा तो वैसे भी बहुत ही हरियाणा, हाँ जो हरि का क्षेत्र है, तो हरियाणा में तो ऐसे ही मनोहर जी का अच्छा काम होता है, मोदी जी का काम होता है। मुझे बताया गया कि यहाँ 11,000 सीएससी से 650 सेवाएं दी जाती हैं, तो अच्छी बात, इस पर आगे बढ़ाइए। तो आज मुझे बहुत खुशी हुई है, मैं आप सबों का अभिनंदन करना चाहता हूँ। मुझे एक दो घोषणाएं भी कहनी है कि अब भारत नेट के जो वाईफाई होगा इसका 2020 तक हम मार्च तक फ्री कनेक्शन देंगे ताकि हर जगह लोग इसका यूज करने लगे, और जितने देश के सीएससी हैं वहां बैंकिंग की सेवा भी आगे बढ़ाएंगे। और मैं सीएमडी बीएसएनएल को एक बात कहूंगा, बीबीएनएल लोग कहां है, कहां है बीबीएनएल, आप दोनों पुरवार, आपसे मेरा आग्रह है कि इस बच्ची ने अच्छा काम किया है तो भारत नेट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है इसको अपनी टीम से दिखवाइए, ठीक है आप दोनों, और दिखवा करके इसी मॉडल को बाकी गांव में आगे बढ़ाइए, या इसमें और ऐड कर सकते हैं तो वो भी देखिए, क्योंकि तो इसलिए मैंने इससे बहुत विस्तार से पूछा, अच्छा लगा, अंशु भी थे और अजय भी थे, तो मैं चाहूंगा कि ये जो सफलता मिली है इसको बाकी गाँव में भी इसको रेप्लीकेट करना चाहिए। ये पुरवार आप देखिए, इस बात की चिंता करें। आज यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम इधर आओ, तुमसे मुझे एक बात कहनी है, तुम अच्छा काम कर रही हो और नया नया काम शुरू करो, ठीक है, तुमको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, कोई पूछे तो कहना मंत्री रविशंकर जी ने कहा है, ठीक है कोई कुछ नहीं पूछे। और नया काम तुम क्या कर सकती हो जिससे बेटियों को और मजबूती मिले, तुम्हारी सेवाएं और अच्छी हो, इसको सोचो, और मैं चाहूंगा कि तुम्हारा अच्छा काम देश के बाकी सीएससी भी करें, ये मेरी अपेक्षा है। अब एक बात मैं और घोषणा करूंगा तुम्हारे गांव के लिए, अभी तक यहां तुमने कितने लोगों को डिजिटल लिटरेसी बनाया, 300,
तो आज तुम्हारे अच्छे काम को देखते हुए घोषणा करता हूं कि तुम्हारे गांव के सबों को डिजिटल लिटरेट बनाया जाएगा और सीएसए उसकी चिंता करेगा। और बाकी लक्ष्मण बाबू ने कहा रेवाड़ी के बारे में, रोहतक के बारे में, हमारा विभाग चिंता करेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। अच्छा काम है, आगे इसको विस्तार करेंगे। तो आज आप सबसे मेरा आग्रह क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी को प्रणाम करिए, उनका सुशासन दिवस है, उस व्यक्ति ने देश को बहुत आगे बढ़ाया। आज क्रिसमस भी है तो उसकी भी शुभकामना आप सबों को है। और नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया के माध्यम से जो देश को बदलने का काम किया है कि भारत सरकार आपके गांव, अब आपको दिल्ली आना नहीं पड़ेगा, भारत सरकार आपके गांव में है, यह है डिजिटल इंडिया। तो ये बदलाव हम कर रहे हैं, बहुत मिलकर खुशी हुई, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। मेरे साथ जोर से बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।